हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने में ये हैं दो दिन के बतख, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो में अपडेट किया हुआ है कि कैसे मैंने इनको लेकर के आया, कैसे इसको मैंने रखा और किस टाइप का इसको हमने गुड़ पानी वगैरह दे करके दो चार घंटे इसको हमने खोला, उसमें पूरी जानकारी है। आज ये तीसरा दिन का है, पहला दिन का भी अपडेट हो चुका है, अभी उसको डालना बाकी है। बाकी मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि सेकंड दिन में आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, बतख बच्चे जो हैं एक्चुअल में बहुत नाजुक होते हैं, मुर्गियों से भी नाजुक होते हैं। थोड़ा सा हीटिंग वगैरह जैसे इनको कम होता है तो इस टाइप का देखिए ये मोर्टलिटी हो गया है। आपको दूसरे वीडियो में नहीं दिखाएंगे दोस्तों कि मोर्टलिटी होता है बोल करके। आज रात का क्या हुआ था, आज रात को जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हमने चार बल्ब लगाया हुआ है, एक बल्ब यहाँ, दो बल्ब यहाँ पे। दो बल्ब अचानक से फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ होने का रीज़न ये था कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ, रात को मौसम पानी पानी का बना था और उसके बाद फिर कट गया बल्ब। अब बल्ब कट गया भाई, रात भर तो जग नहीं सकते, उस चक्कर में हुआ। तो मैं आपको एक नेचुरल और इस टाइप का वीडियो देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों का भी जो है मनोबल मजबूत हो। ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल यूट्यूबर जो हैं वो गलत ही जानकारी देते हैं कि सिर्फ पालन ऐसे करिए वैसे करिए अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, एकदम रियल फैक्ट बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए आज रात की मोर्टलिटी, देखिए ये है आज रात की मोर्टलिटी। 51 जो हैं ये आज रात को मरे हैं, इससे पहले जो हैं वो भी मरा था करीबन 60 आसपास। तो बतख बच्चे में मोर्टलिटी होता है, मुर्गी बच्चे में थोड़ा कम होता है, बतख में ज़्यादा होता है। क्योंकि बतख में अक्सर एक प्रॉब्लम और होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं बतख धूप की तरफ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मस्त, एकदम धूप में तगड़ा रह रहे हैं। अभी इनको उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं इतने को आप लोगों को घुमा करके दिखाता हूँ। ये टोटल मेरे पास जो हैं ये 700 थे, 700 में से देखिए ये एक पलटी हो रहा है, ये भी जाएगा। इसके लिए हमने एक अलग से ब्रूडिंग रूम बना रखा है वहाँ पर, लेकिन उतना देख रेख ना होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोर्टलिटी होता है वो इस वजह से होता है दोस्तों कि हम जब पानी देते हैं इसको तो इस टाइप का हमको ढक करके देना चाहिए, ढक करके गिट्टी वगैरह किनारे लगा देना चाहिए। गिट्टी लगाने से क्या होता है कि बतख बच्चे जो हैं वो भीगते नहीं हैं। बतख बच्चे अगर भीग गए है ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि उसमें अगर बतख बच्चे लंबे समय तक गीले रहेंगे तो उनको पैरालिसिस का शिकायत हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने सभी बर्तनों में गिट्टी लगाया है, दाना जो है कागज़ के ऊपर में दिया है, घूम करके खाते रहते हैं। फिलहाल सभी के जो है पेट भरे हुए हैं, पानी इनको हमेशा चाहिए होता है। बतख की जो नली होती है वो पानी ज़्यादा चाहिए इनको, बतख को, है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बतख को पानी वाला जगह चाहिए, जैसे कि तालाब हुआ या आसपास में। छोटे बच्चों को ज़रूरी नहीं है नहाना, जब तक ये 15 दिन के ना हो जाएं तब तक आप इनको पानी में छोड़ने का सोचिए भी मत, क्योंकि 15 दिन में जो है ये स्ट्रांग हो जाएंगे। और सबसे पहले आप इसको प्री स्टार्टर खिलाइए दोस्तों, और वो भी अच्छी कंपनी का, एकदम तगड़ा, जो कि हम बॉयलर फीड वाले को देते हैं वो दीजिए। तो मैं अभी ABS का खिला रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और ये ब्रूडिंग पे चल रहे हैं, ब्रूडिंग पे इस ये जो जगह जो मैंने बनाया है यहाँ पर देखिए ये कॉलम है। ऊपर में जैसे कि आप जानते ही हैं, इसके ऊपर में चीनी मुर्गी और टर्की रहते हैं, और यहाँ पर जो है नीचे में मेरा मांगूर वगैरह, मैं यहाँ पे पालन करता हूँ देसी मांगूर का। तो फिलहाल मैं यहाँ सिस्टम वाइज करता हूँ, कैसे सिस्टम से करता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे अभी यहाँ पे जो है ये दर्रा है, दर्रा गिट्टी वाला मिट्टी है, तो यहाँ मैं कुछ भी कर लूँ तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम। अचानक से मेरा पानी जो है बोर जो है ख़राब हो जाने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं छोड़ पा रहा था, पानी छोड़ने से अंदर चला जाता था। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे जब बरसात की पानी भरती है, ये देखिए यहाँ पर जो है ये नाली है, ये यहाँ पर नाली है, यहाँ से पूरा खेत का जो मेरा पानी है ये बह करके यहाँ पर आता है, और साथ साथ में बोर तो आराम से यहाँ पर 6 महीना पानी रुकता है। और मैं 6 महीने में एक कल्चर मछली ले लेता हूँ, उसके बाद एक बार सोनाली, एक बार बतख, है ना, ऐसा करके अपने हिसाब से जमा करके फिर इसको हमको चलाना होता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत खर्चा किया है दोस्तों। ये देखिए पूरा कॉलम बीम वगैरह डाल करके आउटलेट वहाँ पर हमने बनाया है, ये देखिए अंगुली के निशान में ये यहाँ पर छेदा है, वहाँ से पानी फिर बाहर चला जाता है। तो इसकी लेवल इधर हाइट है, इधर थोड़ा सा डाउन है, जो कि वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पानी का लेवल जो है कैसे यहाँ पर कम है। यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड लगा रखा है, देखिए ये
आप यहाँ से गौर करेंगे तो आपको पानी की लकीर दिखेगी। देखिए एक लकीर यहाँ पे है मेरे अंगुली के हाथ के पास में, यहाँ तक पानी आता है और उसके बाद फिर वो आउटलेट जाली लगा हुआ है वहाँ से पानी बाहर हो जाता है। ये सिस्टम इतना अच्छा बना है दोस्तों, हमको खुद यहाँ पे अच्छा लगता है। देखिए ये यहाँ पे बांस वांस का बना हुआ है, यहाँ पे छेदा है थोड़ा थोड़ा, जो ये लोग खाते हैं वो यहाँ गिरता है तो बतख के बच्चे लोग भी उसको खा सकते हैं या मुर्गी लोग भी जो हैं उसको खा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं बतख पे, तो बतख पे ऐसा है दोस्तों, इसके बाद हम 2 से 3 दिन तक ये मोर्टलिटी होगा, 2 से 3 दिन तक ऐसा मोर्टलिटी होगा कि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो धीरे 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 या तो सुधर जाएंगे या तो हालत उनकी ख़राब हो जाएगी और वो धीरे से चले जाएंगे। एक चीज़ आप ज़रूर करें दोस्तों कि बतख को कंटिन्यू आप खाना ना दें। एक बार सबेरे, जैसे कि हम यहाँ पे 10 जगह किए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक वहाँ पे 10, ठीक है। इस 10 जगह पे हम एक एक कटोरी दाना इनको डाल देते हैं, घूम घूम करके ये खाते रहते हैं बहुत बढ़िया, ये देखिए। और कागज़ भी अब ख़राब हो गया है तो कागज़ भी अब बदल देंगे। उसके कुछ दिन बाद तो फिर ये लोग इतने फ्री हो जाएंगे कि आराम से चलेंगे, ठीक है। बतख बच्चे को एक्चुअल में वैक्सीन करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, इनको एक वैक्सीन लगता है डकलिंग की, तो वो कहना चाहिए कि थोड़े बड़े हो जाने के बाद भी अगर आप लगाएंगे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े एरिया में इतने इनके लिए बहुत बढ़िया है। और जब भी आप अगर छोटे वाले जगह पे करते हैं दोस्तों, तो छोटे वाले जगह पे नीचे पैरा लगा दीजिए। पैरा पैरा मतलब तो समझते हैं धान का, जो लंबा लंबा धान कटने के बाद जो निकलता है डंडा, उसको पैरा बोलते हैं हमारे तरफ, आपके तरफ क्या बोलते हैं नहीं पता, बंगला में बिसेली बोलते हैं, बहुत सारे जगह में, जिससे हम पूटू लगा सकते हैं, लगाते हैं जिनसे पूटू, वो वाली बात कर रहे हैं। तो वो आप नीचे पूरा अच्छा इतना लेयर लगा दीजिए, इतना 2 इंच का 1.5 इंच 2 इंच का, उसके ऊपर में फिर आप पानी डब्बा लगाइए, पानी डब्बा के अंदर में फिर ताकि जब बच्चे पानी वहाँ से पिएं, और जैसे कि पानी डब्बा के पास में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गीला गीला है, बच्चे को ठंड ना लगे, और पानी को ऐसा जगह दीजिए जहाँ से वो अलग से बाहर निकल जाए, पानी को ऐसा जगह दीजिए जहाँ से वो बाहर निकल जाए, तो उससे अगर थोड़ा मोड़ा पानी गिरेगा भी तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। या तो फिर आपके पास कम जगह है तो उस टाइप का जो आप जाली देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये वाली जो जाली है, इस टाइप का जाली में भी हम पालन करते हैं, इससे पहले हम आपको दिखाए थे। और अगर ज़्यादा जगह है इस टाइप का, बहुत ज़्यादा आपको ब्रूडिंग करना है, तो सबसे बेस्ट होता है इस टाइप का जगह जहाँ पे आपका पानी नहीं रुकता हो, गीला वाला कोई संभावना ही नहीं है। इसके ऊपर में पट है, पट के ऊपर में एडवेस्टर है, पानी यहाँ पर आ नहीं सकता, चारों तरफ से पूरी तरह से एकदम ब्रूडिंग रूम, हल्का ह्यूमिडिटी यहाँ पे बना हुआ है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है यहाँ का बच्चे पालने के लिए, इससे अच्छा टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से आप मेंटेन करें और अपने फार्म को सजाएं ताकि आपके यहाँ भी मोर्टलिटी ना हो। इनमें मोर्टलिटी होने का सबसे बड़ा रीज़न, जैसे आप देख रहे हैं इस टाइप का ये जो बतख बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ये तो यहाँ पर एक के ऊपर एक जब चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर तीसरा लेयर अगर चढ़ गया तो नीचे वाले को होता है समस्या, थोड़े देर बाद ऐसा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनको, या तो दब जाते हैं, उसके बाद वो उठ नहीं पाते, छोटे बच्चे हैं समझ नहीं पाते, चिल्लाते हैं, बाकी लोग भी नहीं हट पाते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मोर्टलिटी होने का। आप क्या करें, उस टाइप का बल्ब लगा दें और मौसम को थोड़ा सा देखें। जब आप फार्म किए हैं तो उस जगह पर एक आदमी होना चाहिए छोटे बच्चे को लेकर के, थोड़ा सा देख रेख बढ़ जाता है। उस समय में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि एक जगह में बतख बच्चे अगर हो रहे हैं तो बैठने दीजिए, बैठने के थोड़े देर बाद आप उसको हटा दीजिए, और नहीं हट रहे हैं तो एक थोड़ा डंडा में छोटा सा प्लास्टिक बांध दीजिए, बीच बीच में हिला दीजिए, तो देखिएगा बतख बच्चे पूरे हट जाएंगे। मौसम के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए वहाँ पर कुछ कुछ हैं, 2-4 हैं, ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, 2-4 हैं, बाकी बतख इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब यहाँ का मौसम ठीक है। आप अगर अपने यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर नहीं लगाए हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके बतख बच्चे को आपको कितनी हीट देनी है। कैसे पता करें आप उससे, देखिए जैसे बतख बच्चे बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने लगे तो फिर आप अपने फार्म में लाइट की संख्या बढ़ा दीजिए, या तो हैलोजन लगा दीजिए, या तो फिर रूम हीटर भी लगा सकते हैं। ज़्यादा दिन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, 6 से 7 दिन भी अगर आप करते हैं तो आपका इस टाइप का ये लोग एक जगह इकट्ठे होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद भी जैसे स्पेशल जब जान रहे हैं ठंडी है बोल करके, तो आपको हैलोजन लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी का जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में अगर आप
जैसे कि मेरे साथ में थोड़ा सा समय खराब चल रहा था, उस वजह से दिक्कत आया। उसके लिए मैं बोलूँगा कि अचानक से पानी गिर गया तो उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। मौसम के हिसाब से मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया है और उस हिसाब से ठीक है। तो आप अगर करें दोस्तों तो हैलोजन की व्यवस्था बिल्कुल रखें। देखिए मैंने यहाँ पे अचानक से दो लालटेन जो कि अभी विलुप्त हो चुका है, अभी आपको देखने को मिलेगा ही नहीं कहीं पे, वो है मेरे पास। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ ये लालटेन। ऑनलाइन आप लोगों को मैं ट्रांसफ़र भेज दूँगा। जैसे कि लालटेन की सुविधा ये है दोस्तों कि इसको आप मिट्टी तेल डाल करके अचानक से लाइट वगैरह गोल हुआ तो आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट गोल होने से आपके जो बैटरी उटरी का जो समस्या रहता है उससे आप निजात पा सकते हैं। लालटेन एक्चुअल में बहुत ज़रूरी चीज़ है, फार्म में होना ही चाहिए। फार्म में अगर लालटेन है तो आप आसानी से ब्रूडिंग भी कर सकते हैं, इसमें अच्छी खासी हीट जनरेट होती है। जैसे कि आप लालटेन का टॉप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा गर्मी आकर के रुक जाता है। हमारे पास लोहे का सिल्वर का तसेला है, उस लोहे का सिल्वर का तसेला या तो फिर लोहे का या तो सिल्वर का, उसको आप ऊपर से ढक दीजिए तो उसका जो गैस है उसकी जो गर्मी है वो किनारे किनारे आपस में कंटिन्यू बना के रखती है। आजकल मिट्टी तेल मिलना काफ़ी समस्या हो गया है, फिर भी आप जब लालटेन रखे हैं तो 10-15 लीटर व्यवस्था रखें और इसका यूज़ करें। आप डीजल से भी जला सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल मैं आपको लालटेन दे सकता हूं, आप देख लीजिएगा बाकी को। दूसरी बात ये कि आपको अपने बदक को मोर्टिलिटी से बचाने के लिए खान पान में सबसे पहले अच्छा दाना का प्रोवाइड करवाना है। दूसरा आपको इसको कहना चाहिए ऑस्टोवेट विमराल अगर आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। शुरू दिन में आपको इसको गुड़ पानी वगैरह चलाने के बाद लिक्सिन पाउडर ज़रूर दे दें दोस्तों। तो लिक्सिन पाउडर देने से क्या होता है, बच्चों की जो नाभि होती है वो सूख जाती है, और अगर आप लिक्सिन पाउडर नहीं देना चाहते मेरी तरह तो मैं जेनरिक के सिफिक्सिम टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। एक टैबलेट जो होता है वो 200 mg का, तो वो जो सिफिक्सिम 200 का जो टैबलेट आता है वो समझ जाइए कम से कम आपके 30 से 40 बच्चों को हो जाता है। उस हिसाब से आप एक डब्बे में करीबन अपने जिस हिसाब से आप पानी डब्बा लगा रहे हैं उस हिसाब से मैं फ़िलहाल यहाँ पर 5 डब्बे लगाया हूँ। 5 डब्बे में समझिए 4-4 टैबलेट 5-5 टैबलेट डाल देता हूँ और बढ़िया मिल जाता है तुरंत। डिस्परबल टैबलेट लेने से पानी में घुल जाता है। मेडिसिन की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप बदक पालन से रिलेटेड और भी अच्छी जानकारी चाहिए अगर आपको मोर्टिलिटी ना हो। मोर्टिलिटी तो भाई हमारे यहाँ भी होता है, सबके यहाँ भी होता है, लेकिन मोर्टिलिटी को कैसे कम किया जा सकता है एक फार्मर दूसरे फार्मर को जब तक बताएगा नहीं तब तक ये काम आगे बढ़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं से आपको सीखना ही पड़ता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको अगर ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा चाहिए तो भी आप संपर्क करें, या तो फिर आपको 0 दिन का बच्चा चाहिए तो भी संपर्क करें। अभी फ़िलहाल मेरे पास व्हाइट पैकिंग और खाकी कैम्बल है। खाकी कैम्बल थोड़े से व्हाइट पैकिंग के मुकाबले धीरे बढ़ते हैं और व्हाइट पैकिंग थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।